भारत में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 118 पर पहुंच गई है। इनमें से 13 मरीज ठीक हो गए हैं, जबकि 2 की मौत हो चुकी है। कोरोना के मरीजों में 17 विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। इस बीच कोरोना वायरस से दुनिया भर में मरने वालों की संख्या बढ़कर 6,500 के पार पहुंच गई है। 156 देशों में मरीजों की संख्या भी बढ़कर 1,70,000 के करीब पहुंच गई है। और इस पर और डिटेल के साथ हमारे संवाददाता समीर दीक्षित हमारे साथ जुड़ रहे हैं दिल्ली से। समीर, दिल्ली से खबर ये आई है कि दिल्ली में और सख्ती बढ़ा दी गई है, नाइट क्लब्स बंद कर दिए गए हैं, जिम बंद कर दिए गए हैं, और क्या डिटेल जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, कोरोना वायरस से निपटने के लिए और लोगों तक सही जानकारी पहुंचे इसके लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने सरकार ने नेशनल हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। 1075 ये नेशनल हेल्पलाइन नंबर है, जिसके जरिए आप कोरोना से जुड़ी कोई भी जानकारी हासिल कर सकते हैं, या अगर आपको कोई सूचना देनी है तो आप सरकार तक वो सूचना पहुंचा सकते हैं। और इसको देखते हुए सरकार ने ये नेशनल हेल्पलाइन नंबर 1075 जारी किया है, जो कि 24/7 काम करेगा। इसके बाद आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के रिक्वेस्ट के बाद, यानी कि जो उन्होंने आगे बढ़ करके कमान एक तरीके से संभाली थी, उसका नतीजा है कि सार्क देशों ने साथ आ करके कोरोना वायरस के खिलाफ एकजुट होकर के काम करने के लिए अपने हाथ मिलाए हैं। और इसी के तहत एक विशेष फंड बनाया जाएगा, जिसमें भारत ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि वो $10 मिलियन इस विशेष फंड के लिए जारी करेगा, ताकि कोरोना वायरस कम से कम एशियाई देशों में, सार्क देशों में उसको बेहतर तरीके से उससे निपटा जा सके। इसके बाद आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने कई बड़े और अहम फैसले लिए हैं ताकि दिल्ली में कोरोना वायरस को रोका जा सके। बड़े फैसले के तहत दिल्ली सरकार ने यह आदेश जारी कर दिया है कि सभी प्रकार के जिम, जो रात के नाइट क्लब हैं, जिमनेजियम, हेल्थ क्लब, स्पा, यहां तक कि साप्ताहिक बाजार, जो वीकली बाजार भी लगता है, ये 31 मार्च तक बंद रहेंगे। यहां पर कोई भी इस तरीके का जिम स्पा नहीं खोला जाएगा। 31 मार्च तक साप्ताहिक बाजार को बंद रहने का आदेश दिया है। यही नहीं, पब्लिक गैदरिंग को कम करने के लिए, इसको पब्लिक गैदरिंग को एक तरीके से रोक लगाने के लिए दिल्ली सरकार ने आदेश दिया है कि 50 से ज़्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। आप कोई भी सामाजिक कार्यक्रम करें, पॉलिटिकल प्रोग्राम करें, या कोई भी आपका प्रोग्राम हो, लेकिन आप 50 से ज़्यादा लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते। दिल्ली में इसी के तहत एक और बड़ा और अहम फैसला ये भी जारी किया गया है कि शॉपिंग मॉल या इस तरीके के जो बड़े कॉम्प्लेक्सेज हैं, वहाँ पर रोज़ाना डिसइन्फेक्शन कार्रवाई को पूरा किया जाएगा। और जो भी शॉपिंग मॉल है, वहाँ पर एंट्री पर ही आपको हैंड सैनिटाइजर रखना होगा, और किसी का भी प्रवेश हैंड सैनिटाइजर के इस्तेमाल के बाद ही शॉपिंग मॉल में प्रवेश संभव हो सकेगा। तो दिल्ली सरकार की तरफ से ये बड़े फैसले लिए गए हैं। लेकिन इन सब के बाद आपको बता दें कि लोगों ने भी, यानी कि कई ऑर्गेनाइजेशंस ने अपनी तरफ से भी स्वैच्छिक कदम लेते हुए थर्मल स्क्रीनिंग का प्रबंध अपने अपने संस्थानों पर किया है। जैसे कि आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में थर्मल स्क्रीनिंग लॉयर्स की जा रही है। कई बड़े रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल के बाहर भी थर्मल स्क्रीनिंग वगैरह की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता महाराष्ट्र की तरफ से नजर आ रही है। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 38 कोरोना वायरस के मामले सामने आए हैं, और ये सबसे ज्यादा इसमें पुणे से निकल के आए। पुणे शहर में 16 मामले दर्ज किए गए हैं। यही वजह है कि महाराष्ट्र सरकार ने पुणे में धारा 144 लागू कर दी है, और महाराष्ट्र को हाई अलर्ट पे एक तरीके से घोषित और उसके तहत कार्रवाई करने के लिए तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर भी आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से भी लगातार निगरानी रखी जा रही है। आज भी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की अहम बैठक हुई है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए क्या कुछ और सख्त कदम उठाए जाने चाहिए, इस पर चर्चा की गई है, और उसकी घोषणा हम तकरीबन 5 बजे देखेंगे कि सरकार ने और क्या कुछ नए कदम उठाने का फैसला लिया है। लेकिन इन सब के बीच में दो बड़ी चिंता की बात सामने आ रही है। हाँ। सबसे पहले और बड़ी चिंता की बात यह है कि कई जगहों पर यह मामले निकल के सामने आ रहे हैं कि लोग जो कोरोना संदिग्ध पाए गए हैं, वो या तो अस्पताल से फरार हो रहे हैं या फिर अथॉरिटीज का सहयोग नहीं कर रहे हैं। यह प्राथमिक बड़ी चिंता की बात है। और दूसरी बड़ी चिंता की बात यह है कि जो हैंड सैनिटाइजर या मास्क वगैरह है, जो बेसिक नेसेसिटी है, वो बल्क बाइंग होने की वजह से अब उसकी ब्लैक मार्केटिंग बढ़ गई है। तो इससे सरकार निपटने के लिए भी कदम बढ़ा रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया समीर आपका डिटेल जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।